Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन फैंटेसी हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द होल। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है जोई डांटे ने। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर है 81% और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है थॉम्सन फैमिली के बारे में जो अभी अभी ब्रुकलिन से बेंसनविल में शिफ्ट हुई है। इस फैमिली में है 17 साल का डेन, उसका 10 साल का भाई लूकस और उनकी माँ सुजैन। वैसे तो ब्रुकलिन जैसे जगह को छोड़कर इस स्लीपी टाउन में आने के कारण डेन बहुत ही ज्यादा अपसेट है, मगर माँ बेटे के बातों से हमें पता चलता है उन्हें मजबूरन शिफ्ट करना पड़ा है, लेकिन किस बात की मजबूरी ये हमें आगे पता चलेगा। हर दिन सुबह होते ही सुजैन काम पर निकल जाती है तो डेन और लूकस को अकेले ही रहना पड़ता है। यहाँ पर उनकी बस एक ही दोस्त बनी है, उनकी नेक्स्ट डोर नेबर जूली। इस शहर में ज्यादा कुछ एंटरटेनिंग है भी नहीं तो दिन भर घर बैठे डेन बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता था। एक दिन दोनों भाई जब आपस में नोक झोंक करते करते बेसमेंट में पहुंच गए तो उन्हें वहां पर जमीन पर एक ट्रैप डोर मिलता है जिसे एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 ताले से लॉक किया गया था। उन दोनों को जानना था इसके अंदर कौन सा खजाना छुपा है जो इसे इतने अच्छे से सिक्योर किया गया है। वैसे भी और कोई काम तो उनके पास है नहीं तो वो लोग उन ताले की चाबी ढूंढने लगते हैं। फॉर्चुनेटली उन्हें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, चाबी तो मिल जाती है और वो लोग सभी ताले को खोल भी पाते हैं, मगर अंदर उन्हें जो मिलता है उसका कोई भी मतलब वो लोग समझ नहीं पाए। अंदर एक गड्ढा था, शायद कोई सुरंग जैसा। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, वो लोग कुछ ठीक तरह से देख ही नहीं पाए। लेकिन जो चीज वो लोग देखकर भी अनदेखा कर दिया वो है इस ट्रैप डोर पर किसी के नोचने के निशान हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है वो लोग स्क्रूज फेंक कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि यह गड्ढा कितना गहरा है, मगर उन्हें वो स्क्रूज नीचे गिरने की कोई आवाज ही सुनाई नहीं थी। वो लोग एक के बाद एक चीज नीचे फेंकते गए लेकिन उन्हें एक भी चीज जमीन से टकराने की आवाज सुनाई नहीं दी। इतने में जूली भी उन्हें ज्वाइन करती है तो वो तीनों मिलकर एक रस्सी से पहले एक टेडी और उसके बाद एक बकेट को बांध कर नीचे फेंकते हैं, मगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि उस रस्सी को कोई खींच रहा है। बहुत कोशिश करके रस्सी को तो ऊपर लाते हैं वो लोग, मगर उस टेडी और बकेट को किसी ने रस्सी से काट लिया था। बहुत ही अजीब बात है, उन्हें लगने लगता है कि शायद इस गड्ढे के अंदर कोई ब्लैक होल है जो सब कुछ खा लेता है, शायद इसके अंदर सारी चीजें लेविटेट करती है, इसीलिए उन्हें किसी भी चीज के गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी। मगर अभी सवाल ये है, रस्सी को बार बार काट कौन रहा था? आखिर ये कोल्ड बॉटमलेस होल का अंत कहाँ है? ये जानने के लिए फाइनली वो लोग एक कैमरा को रस्सी से नीचे उतारते हैं, कुछ देर अंदर रखते हैं और उसके बाद भागते हैं फुटेजेस चेक करने, मगर जाने से पहले उस ट्रैप डोर को लॉक करना भूल जाते हैं। फुटेजेस चेक करने पर उन्हें एक फेस जैसा कुछ दिखता है, मगर एग्जैक्टली वो क्या था उन्हें पता नहीं लग पाता, क्योंकि तभी सुजैन ऑफिस से घर लौटती है और उन फुटेजेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था डेन, तो वो लोग नहीं देख पाते कि असल में वो एक चेहरा ही था जिसकी दो आंखें उसी कैमरे में झांक रही थी। इसी सच्चाई से बेखबर उन्हें ये सब बहुत कूल लग रहा था, लेकिन शायद कुछ राज अंधेरे में दफन रहना ही बेहतर है। कुछ तो था उस गड्ढे में जिसे फिर से इस दुनिया में आने की आजादी मिल चुकी थी, क्योंकि रात के अंधेरे में हमें वो ट्रैप डोर अपने आप खुलते हुए दिखता है। नेक्स्ट डे सुजैन ऑफिस के लिए निकल जाती है। डेन भी जुले के साथ ये शहर घूमने गया था तो घर में लूकस अकेला था। उसे अपने बिस्तर पर एक क्लाउन डॉल दिखता है जिससे विजिबली वो डरता था। उसे लगता है ये डेन का काम है तो वो उस क्लाउन को लेकर डेन के बिस्तर पर रख देता है और खुद कैमरा और टॉर्च लेकर जाता है उस गड्ढे को इन्वेस्टिगेट करने। मगर बेसमेंट के अंदर जाते ही वो समझ जाता है कि उसकी ये डिसीशन बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसे वहां फिर से वही क्लाउन दिखता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। ये डॉल आंखें झपक रहा था और उसे देखकर एक क्रीपी स्माइल भी दे रहा था। लूकस बहुत ज्यादा डर जाता है, वो बेसमेंट से निकलने की कोशिश करता है मगर ये डॉल उसके तरफ चीजें फेंकने लगा था, ऊपर से दरवाजा भी लॉक हो चुका था। वो बहुत जोर से धक्का देने के बाद किसी तरह से बाहर तो आ जाता है, मगर तब भी उसे लग रहा था कि वो क्लाउन उसका पीछा कर रहा है। उस तरफ जब डेन और जूली एक रेस्टोरेंट में थे तो जूली के साथ भी एक बहुत ही अजीब हादसा होता है। वो रेस्ट रूम में लॉक्ड हो जाती है, बिजली चली जाती है और अंधेरे में उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसका एक पैर उडन था। जूली डर तो जाती है बहुत ज्यादा, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहती।
डेन घर लौटने के बाद अपने भाई को लेकर फिर से बेसमेंट में जाता है। इस बार उन्हें वहाँ कोई क्लाउन तो नहीं मिलता बल्कि एक छोटी सी बच्ची दिखती है, वही उडन पैर वाली, जिसके आंखों से काले रंग का खून निकल रहा था। उसका चेहरा भी काफी डरावना था। जब डेन उससे पूछ रहा है वो यहाँ क्या कर रही है, जवाब में वो लड़की सिर्फ एक ही बात कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। ये कहकर वो बेसमेंट से निकलकर घर के अंदर जाती है। डेन और लूकस भी उसका पीछा करते हैं मगर उन्हें घर में कोई लड़की नहीं दिखती। पता नहीं वो लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई। बैक डोर खुला हुआ था, ये देखकर डेन बाहर जाके जूली से भी पूछता है मगर उसने भी ऐसे किसी को नहीं देखा। फाइनली जब वो तीनों मिलकर घर के अंदर आए तो उन्हें फिर से वही लड़की घर के अंदर मिलती है, जो बेसमेंट में जाके रेंगते हुए उस गड्ढे में छलांग लगाती है और वो दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो जाता है। ये सीन देखकर ये तीनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग इस दरवाजे को फिर से लॉक करना चाहते थे मगर पता चलता है सभी ताले तो गायब हो चुके हैं, तो वो तीनों मिलकर एक भारी ट्रंक से उस दरवाजे को ढक देते हैं। टेम्पररीली वो लोग सेफ तो हो गए थे मगर डेन फील कर पा रहा था कि उस गड्ढे को खोलकर उन लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत मोड़ लिया है। अभी सिर्फ इस ट्रंक से वो लोग ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह पाएंगे। होता भी यही है, नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें वो गड्ढा फिर से ओपन ही मिलता है। किसी ने उस ट्रंक को हटा दिया था। डेन उस दरवाजे के चारों तरफ स्क्रूज फिक्स कर देता है लेकिन तभी उसे वहां एक लेदर बेल्ट मिलता है जो उसका तो नहीं था मगर शायद उसे पता था ये किसका है। ये उनके लिए नाइट टेरर्स बन चुका था, गेटवे ऑफ हेल। उन्हें किसी भी तरह से इसे फिर से बंद करना था मगर उसके लिए उन्हें जानना था इस गड्ढे को खोदा किसने। जूली उन्हें इस घर के फॉर्मर रेसिडेंट के बारे में कहती है, क्रीपी कार्ल, जो अभी एक अबैंडन्ड ग्लोव फैक्ट्री में रहता है। जूली का मानना था उसने ही जरूर इस गड्ढे को खोदा होगा, तो वो डेन और लूकस को लेकर उससे मिलने जाती है। हम देखते हैं ये गर्ल सच में ही बहुत ही क्रीपी है। वो इस फैक्ट्री के बीचों बीच एक कमरे में हजारों बल्ब्स जला कर रहता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। उन लोगों ने इस गड्ढे को खोला है ये जानकर ये आदमी इतना ज्यादा डर गया था कि उन पर चिल्लाने लगता है। कहता है वो गड्ढा वहाँ इस दुनिया के एग्जिस्टेंस के समय से है और अभी उसके अंदर के अंधेरे ने तुम्हें देख लिया है। वो आजाद हो चुका है और अभी कोई नहीं बच सकता। उसकी बातों का कोई मतलब तो नहीं समझ पाए ये लोग लेकिन बहुत ज्यादा डर गए थे, तो वहां से वो लोग भाग निकलते हैं। उन्हें कोई सलूशन तो नहीं मिला मगर उसी रात हमें वो गड्ढा फिर से अपने आप ओपन होते हुए दिखता है और इस बार जरूर वो किसी का शिकार करने वाला था, क्रीपी कर्ल का। रात में जब वो उसी कमरे में रोशनी के बीच बैठकर एक स्केच बुक पर कुछ ड्रॉ कर रहा था, हम देखते हैं एक एक करके उसके चारों तरफ सारे बल्ब्स फट जाते हैं और अंधेरे में से हमें सिर्फ उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, विच सजेस्ट कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। नेक्स्ट डे थॉमसन हाउस में सिर्फ डेन और लूकस ही थे। सूजन 2 दिनों के लिए बाहर गई थी। इसी बीच डेन को अपनी स्केच बुक कहीं नहीं मिल रही थी। असल में कल रात कार्ल उसी पर ड्रॉ कर रहा था। लूकस अपने भाई से कहता है कि शायद उसने अपनी स्केच बुक उसी फैक्ट्री में छोड़ा होगा, तो डेन उसी वक्त फैक्ट्री में जा पहुंचता है। उसे अपनी स्केच बुक तो मिल जाती है मगर कार्ल कहीं नहीं था। सभी का मूड बिल्कुल ऑफ था, तो जूली अपने घर में एक पूल पार्टी अरेंज करती है। कुछ देर के लिए सब कुछ भुलाकर वो लोग एंजॉय भी करते हैं मगर पानी के अंदर से डेन को एक काफी लंबा चौड़ा इंसान का साया दिखता है। जमीन पर मडी फुटप्रिंट्स भी थी, तो वो और जूली उस प्रिंट्स का पीछा करते हैं। उधर उनके एब्सेंस में लूकस को कोई पानी के अंदर खींच ले जाता है। लकीली डेन और जूली किसी तरह से सही समय पर वहां पर पहुंच कर उसे बचा तो लेते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गया था, उसकी जान भी जा सकती थी और वो रोने लगा था। वो बार बार ये कह रहा था कि उसे कोई क्लाउन डॉल पानी के अंदर ले गया था। डेन उसके बातों पर बिलीव नहीं की मगर रात में जब वो अपने भाई को सुला रहा था उसे उसके पैर में एक हाथ का निशान दिखता है और बिल्कुल ऐसा ही स्केच उसके स्केच बुक पर भी कार्ल ने बनाया था। डेन बहुत ध्यान से हर एक स्केच को देख रहा था एंड फाइनली ही रियलाइज्ड ये तो पजल पीसेस है। वो उसे सॉल्व करने लगता है लेकिन उसे सॉल्व कर पाए इससे पहले ही डेन को एक बहुत ही जानी पहचानी सी विसल की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे टेबल पर एक लेटर भी मिलती है जिसे न्यू जर्सी स्टेट प्रिजन से उससे भेजा गया था। अंदर लिखा हुआ था, हेलो बॉय। एट द सेम टाइम हमें बेसमेंट में वो होल ओपन दिखता है। घर में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और डेन को भी किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, तो वो लूकस को एक जगह रुकने के लिए कहकर खत जाता है ढूंढने।
उसके जाने के साथ साथ लूकस को घर में एक पुलिस वाला मिलता है जो उसे एक पिक्चर दिखाता है। उनमें से एक लड़की को वो ढूंढ रहा था। जैसे ही वो ऑफिसर पीछे मुड़ता है, लूकस देखता है उसके माथे का बैक पोर्शन कम्प्लीटली ओपन है और ये पुलिस भी उसी बेसमेंट की तरफ जा रहा था। डेन और लूकस भी उसका पीछा करते हैं और देखते ही ये ऑफिसर भी उस लड़की की तरह ही क्रॉल करते हुए उसी गड्ढे में छलांग लगाते हैं। उधर जूली को अपने घर में वो छोटी सी बच्ची फिर से दिखती है जो बार बार जूली को उसे बचाने के लिए कह रही थी। और इस लड़की को जूली पहचानती थी। इसका नाम है एनी और वो कभी जूली की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उस पुलिस के पास जो फोटो थी वो जूली और एनी की ही थी। बचपन में एक दिन जब वो लोग पार्क में खेल रहे थे तो एनी रोलर कोस्टर से नीचे गिर गई थी और उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। जूली वहीं पर थी मगर वो इतनी डर गई थी कि उसने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश तक नहीं की और इस बात की गिल्टी फीलिंग अभी भी उसके अंदर है। जूली समझ गई थी उसे एनी का सामना करना ही होगा, वो और भाग नहीं सकती। तो वो रात के उस समय ही फिर से उसी पार्क में वापस जाती है जो उस एक्सीडेंट के बाद खाली पड़ा था। वहां उसे एनी की आत्मा मिलती है। उसे सॉरी कहते ही वो गायब हो जाती है। हमें पता चलता है उस पुलिस की मौत भी उन्हें बचाने के चक्कर में इसी रोलर कोस्टर से गिरने की वजह से हुई थी। फाइनली आज जूली को अपने गिल्टी फीलिंग से आजादी मिल गई थी और शायद डर से भी। डेन भी उसका पीछा करते करते यहाँ पर आ चुका था तो घर में लूकस अकेला रह गया जहाँ वो क्लाउन फिर से उस पर हमला करता है। बहुत ही क्रीपी तरीके से उसे चेस करता है, मारने की कोशिश करता है मगर फाइनली लूकस भी अपने आप पर काबू कर लेता है और उस क्लाउन को टुकड़ों में काट डालता है। इन दोनों हादसे से डेन एक बात समझ चुका था कि ये सारा मामला डर का है। समहाउ जब उन लोगों ने उस गड्ढे के अंधेरे में झांके थे तो उस अंधेरे ने उन्हें उनके डर को जान लिया था और उन्हीं से उन्हें डराया। लूकस और जूली दोनों ने ही अपने अपने डर पर काबू कर लिए थे और अभी सिर्फ डेन ही बचा था। पता नहीं आज रात और क्या हो, इस घर में रहना मौत को बुलाने का समान है। तो जूली उन्हें उसके घर में रहने के लिए इनवाइट करती है मगर उससे पहले ही लूकस को एक बहुत ही बड़ा आदमी, मॉन्स्ट्रस आदमी किडनैप कर लेता है। उधर इस गड्ढे के पहले को सॉल्व करने के लिए जूली और डेन उस स्केचबुक वाले पजल को सॉल्व करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके सामने एक इमेज कंप्लीट हो रहा था जो डिस्क्राइब कर रहा था एक मॉन्स्ट्रस आदमी एक छोटे से बच्चे को खींच कर कहीं ले जा रहा है। इसे देखकर ही डेन समझ चुका था कि अभी उसकी बारी है अपने डर को जीतने की, क्योंकि ये मॉन्स्ट्रस आदमी और कोई नहीं उसका ही पिता है जो एक शराबी था और उन्हें बहुत मारता था। फिलहाल तो वो न्यू जर्सी स्टेट प्रिजन में है लेकिन उनके वजह से ही इन लोगों को बार बार शहर चेंज करना पड़ता है। वो बेल्ट भी उसका ही है जिससे वो डेन को मारता था और ये आदमी ही डेन का ग्रेटेस्ट फियर है जो इस गड्ढे ने आज उसके सामने फिर से लाकर खड़ा कर दिया है। अपने भाई को बचाने के लिए डेन उस गड्ढे में छलांग लगाता है और पहुंच जाता है एक दूसरे दुनिया में, उनके पुराने घर में जहां इस मॉन्स्ट्रस आदमी ने लूकस को कैद करके रखा था। वो डेन पर भी हमला करता है मगर डेन सबसे पहले अपने भाई को बचाकर सेफली ऊपर भेजता है एक लैडर की मदद से मगर खुद वो नहीं जा पाता। ऑब्वियसली ये उसका चैलेंज था, वो तभी इस भूलभुलैया से निकल पाएगा जब वो अपने पिता से डरना बंद करेगा। उसका पिता उसे अपने बातों से डराता है, बेल से मारता है मगर इस बार डेन भागता नहीं बल्कि सामना करता है। उनके आंखों में आंखें डालकर कहता है वो उससे और नहीं डरता। हम देखते हैं ये अभी एक शतरंज का खेल बन चुका था जहां एक तरफ था वो मॉन्स्ट्रस आदमी, दूसरी तरफ डेन। लेकिन वो जैसे जैसे अपने डर पर काबू कर रहा था ये मॉन्स्ट्रस आदमी साइज में छोटा होता जा रहा था। तब जाके डेन रियलाइज करता है बचपन में वो बहुत छोटा था इसलिए उसे अपना पिता बहुत लंबा चौड़ा लगता था। अभी वो भी बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट सेम हाइट। तो वो अभी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने पिता पर हमला करता है और उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है। इस खेल में वो जीत चुका था तो उसे घर लौटने का रास्ता भी मिल जाता है। ऊपर उसके लिए जूली और लूकस वेट कर रहे थे, सभी जिंदा थे, सही सलामत थे मगर तभी सूजन घर लौट आती है और ये सारे बच्चे बेसमेंट में क्या कर रहे हैं देखने आती है। लूकस गलती से उन्हें उस होल के बारे में कह देता है और तो वो भी उस दरवाजे को खोलकर अंदर झांकती है और अंदर उन्हें जमीन दिखता है, मतलब उनके लिए ये एक नॉर्मल सा गड्ढा था। सभी बहुत ज्यादा डर गए थे, सभी को लगा था कि शायद फिर से ये मौत का खेल शुरू होने ही वाला है मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब शायद सूजन किसी से नहीं डरती। मगर ऐसा भी कभी क्या हो सकता है, इंसान है तो डरना तो जायज है। तो लूकस के पूछने पर वो बताती है कि वो बचपन में बेड के नीचे वाले मॉन्स्टर से बहुत डरती थी
और उसकी बात कंप्लीट होने के साथ साथ हमें उस होल का दरवाजा फिर से एक बार खुलते हुए दिखता है, मतलब शायद इस बार सुजैन की बारी थी। दोस्तों ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। हमें पता नहीं चल पाता सुजैन के साथ क्या हुआ, मगर जो भी हो वो अपने जीवन में ऑलरेडी बहुत सारे हर्डल्स सह चुकी है, तो अपने बचपन के डर पर काबू पाना जरूर उनके लिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसी पॉजिटिव बिलीव के साथ ये फिल्म एंड होती है। दोस्तों मैं इस वीडियो को भी यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। टाटा।